हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फार्मा गुरु जी चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप कोई भी एक प्रेगनेंसी किट परचेज कर लीजिए, कहीं से भी, मेडिकल स्टोर से, केमिस्ट शॉप केमिस्ट से। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक प्रेगनेंसी किट कर लेना होता है और इसके अंदर होता है हमारा ड्रॉपर और किट। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे कट कर लेते हैं गाइस। उसके बाद इसके अंदर जो होता है हमारा, एक होता है गाइस ड्रॉपर और एक होता है किट। तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉपर, ए होता है किट। और इसमें क्या करना होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक सर्किल बना है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉपर में दो या तीन बूंद सैंपल लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं और रिजल्ट 5 मिनट के बाद आ जाता है। तो आइए हम लेते हैं सैंपल। तो देखिए यहाँ पे हमने पुट कर देते हैं 1, 2, 3। तो गाइस हमने यहाँ पे ड्रॉपर से यूरिन सैंपल को ऐड कर दिया है और अभी यहाँ पे रिजल्ट हम लोग का 5 मिनट कभी कभी लग जाता है आने में। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पे हम सैंपल में देख सकते हैं, अभी रिजल्ट के बाद हम क्लेरिफाई कर देते हैं कि क्या पॉजिटिव। तो देखिए अभी गाइस इसमें सिंगल लाइन दिखा रहा है। अगर देखिए सिंगल लाइन दिखा रहा है तो रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है। अब देखिए रिजल्ट में क्या होता है, अगर यहाँ पे जब यूरिन सैंपल आप फिट करते हैं तो अगर यहाँ पे डबल लाइन हो रहा है, यहाँ पे अगर डबल लाइन हो रहा है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो, अगर सिंगल लाइन शो करेगा तो रिजल्ट नेगेटिव है। अगर इसमें कोई भी लाइन नहीं शो करेगा तो आपका रिजल्ट इनवैलिड है या तो किट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार हम और क्लेरिफाई कर दें आप लोगों को प्रेगनेंसी टेस्ट में। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको इस ड्रॉपर से इसमें 2 या 3 ml यूरिन फिट करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें अगर सिंगल लाइन आता है, जैसा कि अभी सिंगल लाइन है, इसका मतलब है रिजल्ट नेगेटिव है। अगर इसमें डबल लाइन आता है तो इसका मतलब होता है रिजल्ट पॉजिटिव है। अगर इस प्रेगनेंसी किट में कोई भी लाइन नहीं आता है तो इसका मतलब रिजल्ट आपका इनवैलिड है या तो प्रेगनेंसी किट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले एक किसी भी मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी किट लेना होता है और उसके अंदर एक ड्रॉपर होता है और एक होता है हम लोग का प्रेगनेंसी किट और इसके यूरिन सैंपल ले लीजिए और इसमें फिर फीड कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गाइस थैंक यू, बाय बाय। और इससे जुड़ी कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेडिसिन रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गाइस थैंक यू।